ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो जो है आप सभी कर्ण राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। बहुत ही सारी आपके जीवन में खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आने वाले चार दिनों के बारे में आपको बताएंगे कि परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदल लेना होगा। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होंगे, जमीन जायदाद लेने का मौका मिलेगा, वाहन कार्य घर बनाने का मौका मिलेगा, वाहन कार्य इत्यादि अपने शानों शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा कार्य के क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रह सकती है, जो कि आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सकें और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा जरूर लगा दें। तो दोस्तों आज का दिन का समय का ग्रह गोचर बहुत बढ़िया है, जीवन में आपको सर्वसिद्ध योगों का निर्माण होने वाला है। राहु चंद्र राशि के अनुसार छठे भाव में स्थित होने के कारण आपकी स्वास्थ्य राशि फल में इस दौरान आपको बहुत से महत्वपूर्ण व संकरात्मक बदलाव नजर आने वाला है, क्योंकि इस समय आप लोगों के थोड़े से प्रयासों से ही आपके स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वास्थ्य दुरुस्त रह सकते हैं। आप सभी को किसी भी प्रकार की यात्रा के दौरान आर्थिक नुकसान होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि आशंका है कि सफर से आज के दिन सफर के समय ना चाहते हुए भी आपका कोई भी कीमती समय कीमती सामान खो भी सकते हैं या फिर चोरी हो जाए, इसलिए खुद को सतर्क रखते हुए अपने सामान का ध्यान रखना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होगा। इस दौरान परिवार में सामने को बढ़ाने के लिए आपको जीवन साथी आपकी सहायता करेंगे। वार्ड में आप लोगों के लिए ज़्यादा मददगार होंगे। इस दौरान यह योग बन सकते हैं कि आपको जीवन साथी रिश्तेदार और दोस्तों से अचानक किसी भी प्रकार के कोई भी चीज़ों को लेकर उपहार मिल सकता है। इस राशि के जो जातक व्यापार से जुड़े हुए हैं, साझेदारी के व्यवसाय भी करते हैं, तो उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिल सकती है, क्योंकि यह समय आप लोगों के करियर के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होने वाला है। व्यापार में विस्तार करने के लिए कोई बड़ी हस्तियां मिलकर आज उचित योजना बनाते दिखाई दे सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बुध के नवम भाव में स्थित होने के कारण भी आप लोगों की राशि के छात्रों को शिक्षाओं के क्षेत्र में इस दौरान अच्छे अंक को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी हो सकती है, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक को प्राप्त करने में सफल होंगे। शनिवार को शनि ग्रह के लिए हवन यज्ञ करना जरूरी होगा। इस दौरान आप लोगों के जीवन में जाकर भी अपने प्रेमी से मिलने से आज असमर्थ होंगे, जिनसे आप दोनों प्रेम और रोमांस में बाधा आ सकते हैं। इसके पीछे का कारण भी आप दोनों में से किसी एक परिवार का भी हस्तक्षेप हो सकता है। यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिन समय होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगा, जिसके कारण आप लोगों को शादी को लेकर भी परेशानियां हो सकती हैं। जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव हो सकते हैं। भाग्य पर निर्भर रहना रहने हैं, अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करने हैं, क्योंकि किस्मत खुद ही बहुत आलसी होती है। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। बच्चों को उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए उत्प्रोत्साहित कर सकते हैं, हालांकि किसी भी चमत्कार की उम्मीद ना रखें। आपका प्रोत्साहन निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास को बढ़ाए रखेगा। आज आपके दिल की धड़कन है आज अपने प्रिय के साथ ताल से ताल मिलाती मालूम होंगे। जी हाँ, यह प्यार का ही खुमार है। दूसरों को ऐसा करना कार्य का करने के लिए बाध्य न करें जो आप स्वयं न करना चाहते हैं। आज आप बिना किसी की मदद से आज के लोगों के साथ उलझ सकते हैं। ऐसा करना आपके मूड को खराब कर सकता है, आपके कीमती समय बर्बाद हो सकता है। विवाह के बाद कई बातें जरूर से आगे अनिवार्य हैं। आज ऐसी कई बातें आपकी व्यस्त रखेंगे। आपका दिन शुभ और बेहतर कार्य होने वाले हैं। जय बिंदुवासिनी जय बालक में आपकी कामना।